नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय काया बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हुई नज़र आ रही है रणवीर के ऊपर। रणवीर से बोल दिया है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलते तो सोच लेना कि मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। जिसके बाद में आखिरकार रणवीर ने बोल दिया है कि मैडम, मैं तुम्हारा ऑफिस में काम नहीं करता, मैं तुम्हारे ऑफिस के लिए काम नहीं करता, तुम्हें मैं बता देता हूँ, मैं इस ऑफिस के लिए काम करता हूँ। जिसके बाद में काया ने बोल दिया है कि उस ऑफिस को मैंने खरीद लिया है, और फाइनली आप देख सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय काया कुछ भी कर सकती है रणबीर को पाने के लिए। क्योंकि काया ने बोल दिया है कि जो चीज़ मेरी है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ, और वाकई में रणबीर के साथ भी बिल्कुल वो ही होने जा रहा है, क्योंकि रणबीर को काया किसी भी तरीका से छोड़ नहीं सकती। उसने पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया है। लेकिन इधर बात की जाए प्राची की, तो प्राची इस समय रणबीर की पहुंच से थोड़ा अलग आ चुकी हैं, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो रणबीर के पास में फिर से पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं टूट जाएगी, और वो वही चीज़ नहीं जानती कि कमज़ोर होना ठीक नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर रणबीर की अब जल्दी ही नई लव स्टोरी जो स्टार्ट होने जा रही है वो काया के साथ में होगी। क्योंकि काया की अगर बात की जाए तो काया ने तो बोल दिया है अपना डिसीजन कि मैं रणबीर तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे लव करती हूँ, ये बात तुम खुद भी समझ लो। आप लोग जानते ही हैं कि रणबीर को किस तरीका से अपने पक्ष में रखना चाहती हैं काया, और काया का मानना यह है कि रणबीर को अगर मैं पसंद करती हूँ तो मुझे किसी भी सूरत पर किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना है, और उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार भी हैं। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक यू।